हम जब आज़ादी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आर्थिक रूप से आज़ाद होना। आज़ादी के इस महोत्सव के मौके पर हमने भी ऐसी 5 महिलाओं को चुना है जिन्होंने सामाजिक बंधन तोड़ खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया और आज समाज में अपना सर ऊंचा करके गर्व से जी रही है। प्रीति हिंगे। प्रीति को लोग कारपेंटर दीदी के नाम से जानते हैं जो नागपुर के वाठोड़ा की इकलौती कारपेंटर है। प्रीति ने अपने पिता से कारपेंटरी सीखी थी और घर चलाने और बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने कारपेंटरी का बिजनेस शुरू किया। शताब्दी साहू। शताब्दी एक प्लम्बर है और वो लोगों को भी इसकी ट्रेनिंग देती है। अब तक शताब्दी 1000 लोगों को प्लम्बिंग की ट्रेनिंग दे चुकी है। सीता देवी। सीता देवी को लोग इलेक्ट्रिशियन देवी के नाम से जानते हैं जो कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण झट से रिपेयर कर सकती है। पति के बीमार हो जाने के बाद सीता ने उनके इस काम को संभाला और एक कमाल की इलेक्ट्रिशियन बनी। संतोषिनी मिश्रा। 74 साल की उम्र में भी संतोषिनी खुद मेहनत कर पैसे कमाती है। 40 साल पहले परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए संतोषिनी ने केटरिंग का काम शुरू किया था। आज संतोषिनी ओडिशा के संबलपुर में शहर की सबसे बड़ी केटरिंग कंपनी संभाल रही है। दीपिका लकड़ा। 22 साल की दीपिका लकड़ा रांची में छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहती है, लेकिन इस छोटी सी जगह में 400 से ज्यादा पौधे उगाकर वो एक नर्सरी चला रही है। पढ़ाई करने के साथ साथ दीपिका ने इस बिजनेस से खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। ये तो अभी सिर्फ 5 महिलाओं की कहानियां हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसी अनगिनत टैलेंटेड महिलाएं हैं जो खुद के दम पर परिवार का खर्च उठा रही है और सही मायनों में आर्थिक आज़ादी का मतलब समझा रही है। उम्मीद है कि ये कहानियां और अधिक महिलाओं को प्रेरित करेंगी।